आज हमारे बीच वैश्य समाज महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री श्री ओपी बंसल साहब ईएमएस टीवी में पधारे हैं। हम वर्तमान में जो मिडिल क्लास को परेशानी आ रही है, जो अभी हाल ही में बजट आया है, और वैश्य समाज का जो ये महासम्मेलन है, ये कैसे मिडिल क्लास जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके हितों में किस तरीके से काम कर रहा है, इस बारे में हम आज बंसल जी से चर्चा करेंगे। बंसल साहब, अभी हाल ही में बजट आया है और इस बजट में कहा गया है कि आयकर में कोई छूट नहीं मिली। कोरोना के बाद जो संस्थान एक साल तक बहुत आर्थिक संकट से गुजरे, उसमें सरकार ने कोई पैकेज नहीं दिया। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि ये मिडिल क्लास जो कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा परेशान हुई है, तो इसको राहत क्यों नहीं मिली और मिलना ज़रूरी है, या ये सर्वाइव कर जाएंगे बिना राहत के भी? देखिए जैन साहब, ऐसा है कि राहत की उम्मीद तो थी, पर राहत चूंकि केंद्र सरकार ने कुछ सोच करके नहीं दी है, उसके पीछे कारण ये है कि अभी इस प्रकार की राहत देने से ज़्यादा कुछ दूसरे मुद्दे उनके पास विचाराधीन थे। जहाँ तक है सवाल के जीएसटी वगैरह का जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, उससे काफ़ी रेवेन्यू आई है, तो उसके लिए वो उन्होंने विचार किया है कि आने वाले समय में मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री में कोई पैकेज ऐसा लेकर के आना चाहते हैं कि जिससे लोग जो है सर्वाइव कर सकें। नहीं, लेकिन पिछले करीब करीब 11 महीने में पूरा व्यापार कारोबार बंद रहा, बैंकों का कर्जा लोगों के ऊपर है, बहुत सारे संस्थान बंद हो रहे हैं, और जो टैक्सेशन है वो लगातार मध्यम क्लास के ऊपर लगते ही जा रहा है और कमाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में मध्यम क्लास सर्वाइव कैसे कर पाएगी और इसके लिए महासम्मेलन क्या कर रहा है? नहीं, वैश्य महासम्मेलन का जो उद्देश्य है वैश्यों के हितों में बात करने के बारे में, तो अधिकतर जो समस्याएं आती हैं वो ये आती हैं कि उनको व्यापार में जो इनकी व्यवस्थाएं करना है या जो शासन प्रशासन के बीच में तालमेल जो बनाना है, उसके लिए हमारे प्रदेश में वैश्य महासम्मेलन का पंचायत स्तर तक संगठन हमारा मजबूत है, और हमारे संगठन के पदाधिकारी जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर और प्रदेश लेवल पर, जैसे कि अभी एक उदाहरण आपके सामने मंडी टैक्स बहुत बड़ा इशू था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर गुप्ता जी ने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी से बात करके वो जो 1.5% जो लगता था उसको उन्होंने 0.5% पर डिसीजन कराया, और ये बहुत बड़ा एक मतलब जो है। नहीं, लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं कि फिर से वो 1.5% किया जा रहा है, 400 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान हुआ है, और अब फिर मंडी टैक्स 50% मतलब 0.55% से अब फिर 1.5% किया जा रहा है, तो ये कैसे देखते हैं? मैंने भी आज समाचार पत्र में पढ़ा, और इसके बारे में जो है, चूंकि अभी 2 दिन से जो है सीएम साहब का जो है उज्जैन में कार्यक्रम था, अभी उनके आने के बाद सोमवार को हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी चर्चा करके और इस मुद्दे को फिर से हम उठाएंगे, और निश्चित रूप से इसका समाधान जो है हम मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग करके और पूरे प्रदेश के मंडी टैक्स को लेकर के, हमारे व्यापारियों को लेकर के राहत पहुँचाने के लिए हम सफल होंगे। बड़ी संख्या में कारोबारी एनपीए में जा रहे हैं, वो बैंक से जो कर्जा लिया था ना तो उसका ब्याज चुका पा रहे हैं ना किस्तें दे पा रहे हैं, और सरकार ने वो जो उनको मॉनिटरिंग पीरियड दिया था तो उसमें भी ब्याज लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने जो नीचे से बातें आती हैं कि उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो इस दिशा में महासम्मेलन कुछ कर रहा है? निश्चित रूप से आपने जो विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी पीरियड इन्होंने जो दिया था, एक साल का समय दिया था, एक साल तक आपको मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा और ब्याज भी उसके बाद ही लिया जाएगा, परंतु बैंकों ने ब्याज लेना जो शुरू कर दिया है उसके बारे में भी नेशनलाइज बैंक के जो है जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं उन लोगों से भी हमने प्लान बनाया है बातचीत करने का, और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अगर नहीं होगा तो फिर हम जो है फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए वैश्यों की चिंता करना हमारे संगठन का एक जिम्मेदारी है, और हम सफल होंगे ऐसा हमने इसके पूरे आंकड़े बुलवाए हैं कि हमारे व्यापारियों के ऊपर कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जिनमें उनको जो है
ब्याज लग रहा है और कितना उनके लिए क्या सुविधा और दी जाए। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ी भूमिका है और पिछले 11 महीने 10 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई या कुछ समय तो पढ़ाई नहीं हुई और फीस को लेके पालकों के बीच में और कॉलेज संचालकों के बीच में या स्कूल संचालकों के बीच में लगातार मतभेद आ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि नहीं, सभी को फीस तो देनी पड़ेगी और साल भर की फीस देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार नहीं था, तो इसको लेकर पालक और स्कूल कॉलेज संचालकों के बीच में जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, इसका निराकरण आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी भी संस्था को सफल होने के लिए फीस बहुत आवश्यक है, परंतु ये है कि उसको जो है उसका तरीका थोड़ा सा बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फीस ली जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज या स्कूल की संस्था किसी भी पालक को या किसी भी छात्र छात्राओं को इस बात के लिए मजबूर करें कि आपको फीस एक साथ देनी पड़ेगी और नहीं देंगे तो आपके साथ में शिक्षा से वंचित किया जाएगा। मेरी भी चर्चा कई लोगों से हुई है, उसको इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए हम लोग मन बना रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को जो है भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो गरीब लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने EMS TV से चर्चा की और निश्चित रूप से इससे लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों को ये जो बजट में अभी तक मध्यम वर्ग को कोई चीज़ें नहीं मिली हैं और वो बहुत उद्वेलित है, तो निश्चित रूप से आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सब, धन्यवाद।